वेलकम टू माई चैनल मेनोटेक। टुडे आई विल टेल यू अबाउट स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अगर हम एक सिस्टम लेते हैं उसको इस ब्लॉक से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका इनपुट हम एज्यूम करते हैं कि एक्स टी है, इसका आउटपुट जो है वो वाई टी है। ठीक है, तो स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी जो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यूज़ इनपुट और आउटपुट की बताना चाहूँगी कैसे हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर सिस्टम है वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं आउटपुट की वैल्यू, मीन्स क्या हो जाएगी, वाई ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगी, एक्स ज़ीरो के, क्योंकि यहाँ भी टी ही लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आउटपुट चाहिए, मीन ज़ीरो पर आउटपुट चाहिए, टाइम ज़ीरो पर, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम का इनपुट पर डिपेंड है आउटपुट। ठीक है, मीन्स एक्स ज़ीरो पर डिपेंड है। अगर अगर हम टी इक्वल्स टू वन पुट करते हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा, और इनपुट क्या हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हमें जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आउटपुट चाहिए उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के इनपुट पर डिपेंड है आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सिस्टम है ये प्रेजेंट वैल्यू को डिपिक्ट कर रहा है, मीन्स ये जो है इसमें जो आउटपुट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंड है, मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंड है। ठीक, ऐसे जो सिस्टम होते हैं जो प्रेजेंट आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड होता है उसे स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो स्टैटिक सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो गई, स्टैटिक सिस्टम मीन्स इन विच आउटपुट मीन्स वाई टी depends only on present value of input. Values of input. Input means xt. ये हो गए static systems. ठीक है, अब dynamic system को explain करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी what do you mean by पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अगर सिस्टम हो वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस वन, ठीक है, तो अगर हम टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर इसका आउटपुट फाइंड आउट करना चाहें इस सिस्टम का, मीन्स वाई ज़ीरो फाइंड आउट करना चाहें, तो ये इनपुट कितना हो जाएगा, मीन्स एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर ज़ीरो माइनस वन, क्योंकि टी की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे, एंड इट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, ज़ीरो माइनस वन विल बी माइनस वन। तो इसका मतलब ये है कि हमें आउटपुट जो है टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर चाहिए, मगर इनपुट जो है टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर नहीं है, टी इक्वल्स टू माइनस वन पर इनपुट अप्लाई हो रहा है उस टाइम पर, मीन्स पास वैल्यू पर डिपेंड है, क्योंकि ज़ीरो जो है लेस है माइनस वन से, तो ये टाइम पहले आ गया होगा, तो मीन्स ये पास वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट। ऐसे हम अदर वैल्यूज़ के लिए भी देख सकते हैं, टी इक्वल्स टू माइनस वन पर देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी आउटपुट की, वो आएगी एक्स माइनस वन माइनस वन, मीन्स टी इक्वल्स टू माइनस वन, मीन्स इसमें पुट कर दिया सिस्टम में एक्स माइनस टू, मीन्स जो माइनस वन पर हमें वैल्यू चाहिए आउटपुट की, मीन्स प्रेजेंट जो आउटपुट हमें माइनस वन पर चाहिए, मगर वो पास वैल्यू का इनपुट पर डिपेंड हो रहा है, क्योंकि माइनस एक्स माइनस टू जो है पास वैल्यू है। ठीक, मीन्स ये जो सिस्टम है ये पास वैल्यू पर डिपेंड है इनपुट की। इट डिपेंड्स ऑन पास वैल्यू ऑफ इनपुट। ठीक, और एक सिस्टम अगर हम ये लें एक्स वाई टी इक्वल्स टू एक्स टी प्लस वन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम वाई ज़ीरो लें, मीन्स टी इक्वल्स टू ज़ीरो पुट किया हमने, हाँ एक्स ज़ीरो प्लस वन पुट कर देंगे, ठीक है, टी इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दिया, प्लस वन कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वन,
मीन्स हमें आउटपुट चाहिए जीरो पर, टी इक्वल्स टू जीरो पर, मगर कौन से इनपुट पर डिपेंड है आउटपुट? एक्स वन पर, इनपुट की टी इक्वल्स टू वन वैल्यू पर डिपेंड है, मीन्स तो मतलब फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड है, क्योंकि जीरो विल कम फर्स्ट एंड वन विल कम आफ्टर वर्ड्स टी इक्वल्स टू वन। ठीक है, ऐसे अगर हम और इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देखें, टी इक्वल्स टू सपोज कीजिए वन पुट किया हमने, हमने प्रेजेंट जो आउटपुट चाहिए हमें टी इक्वल्स टू वन पर चाहिए, तो हमने यहाँ एक्स वन प्लस वन कर दिया इस सिस्टम में, टी इक्वल्स टू वन पुट कर दिया, तो ये वन प्लस वन हो गया, लेकिन हो जाएगा एक्स टू, मीन्स हमें आउटपुट चाहिए टी इक्वल्स टू वन पर, और वो डिपेंड किस पर है? इनपुट की वैल्यू पर, जो टी इक्वल्स टू पर आ रही है, मीन्स फ्यूचर में जो आ रही है। इसका मतलब ये वाई टी इक्वल्स टू एक्स टी प्लस वन जो सिस्टम है वो डिपेंड्स है फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट पर। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर आउटपुट जो है इनपुट की पास्ट वैल्यू पर डिपेंड हो या फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड हो, ये जो सिस्टम्स होते हैं ये डायनामिक सिस्टम्स होते हैं। मीन्स ये डायनामिक सिस्टम हो गया और ये भी डायनामिक सिस्टम हो गया, दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि ये पास्ट और फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड है इनपुट की आउटपुट जो है। ठीक है, ये डायनामिक सिस्टम हो गया। डेफिनेशन क्या होगी डायनामिक सिस्टम की? अ सिस्टम इन विच आउटपुट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर और पास्ट वैल्यूज ऑफ इनपुट। दैट इज अ डायनामिक सिस्टम। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि जो डायनेमिक सिस्टम है अगर तो वो पास या फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड हो, प्रेजेंट वैल्यू पर भी डिपेंड हो सकता है। मीन्स प्रेजेंट प्लस फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड हो, या प्रेजेंट प्लस पास वैल्यू पर डिपेंड हो, या प्रेजेंट प्लस फ्यूचर प्लस पास वैल्यू, तीनों पर डिपेंड हो। ठीक है, मीन्स पास और फ्यूचर जरूर जो वैल्यू है इनपुट की उस पर डिपेंड होना चाहिए डायनेमिक सिस्टम, चाहे प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड है। मीन्स जैसे कि सिस्टम हो गया वाई टी इक्वल्स टू एक्स टी प्लस एक्स टी माइनस वन, तो ये जो सिस्टम है ये पास वैल्यू पर तो डिपेंड है वाई टी जो है आउटपुट जो है इनपुट की, और मगर आउटपुट जो है इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर भी डिपेंड है, मगर ये जो सिस्टम होगा वो डायनामिक सिस्टम होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड है मगर पास वैल्यू पर भी तो डिपेंड है, तो इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा? डायनामिक सिस्टम। ओके, ऐसे ही अगर वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एक्स टी प्लस वन है, आउटपुट जो है फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड है इनपुट की और प्रेजेंट वैल्यू पर भी डिपेंड है, मगर ये सिस्टम क्या हो जाएगा? डायनेमिक सिस्टम ही हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड है। नाउ आई विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। सपोज कीजिए फर्स्ट सिस्टम ने लिया वाई टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टी। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए ये स्टैटिक है कि डायनेमिक है सिस्टम, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज टी की पुट करेंगे और चेकआउट करेंगे कि ये जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड है या फ्यूचर या पास पर डिपेंड है। ठीक है, अब सपोज कीजिए टी इक्वल्स टू हमने ज़ीरो पुट किया फर्स्टली, ओके, तो ये कितना हो जाएगा? वाई ज़ीरो इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर ज़ीरो। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया जो प्रेजेंट आउटपुट है मीन्स एट टी इक्वल टू ज़ीरो पर जो आउटपुट है वो इनपुट के उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिपेंड है, उसी प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड है, मीन्स टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर एक्स ज़ीरो पर डिपेंड है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। अगर हम टी इक्वल्स टू वन पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा सिस्टम? वाई वन इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर वन। ओके, मीन्स ये श्योर हो गया कि ये जो सिस्टम है वो स्टैटिक सिस्टम है, क्योंकि हम देख सकते हैं टी इक्वल्स टू वन पर भी जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड है आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? वाई टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टी स्टैटिक सिस्टम हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट इनपुट जो है जो आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम।
वाई टी इक्वल्स टू एक्स टू टी। ओके, तो इसमें टी इक्वल टू ज़ीरो पुट करके देखते हैं फर्स्टली, तो कितना हो जाएगा वाई ज़ीरो इक्वल टू एक्स ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टी इक्वल टू ज़ीरो पर आउटपुट है वो इनपुट के एक्स ज़ीरो पर ही डिपेंड है, मीन्स प्रेजेंट जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड है। ठीक, प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड है आउटपुट। अगर हम t इक्वल्स टू वन पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा वाई वन इक्वल टू एक्स टू। हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखनी पड़ती हैं t की, क्योंकि ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर तो ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड हो, मगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो आउटपुट है वो हो सकता है फ्यूचर या पास वैल्यू पर डिपेंड हो इनपुट की। ठीक है, तो हमने y इक्वल्स टू वन पुट किया तो x टू आ गया, क्योंकि थ्री टी की जगह वन पुट करेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय वन कितना हो जाएगा टू, मीन्स एक्स टू फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड है आउटपुट। ठीक, ऐसे ही टी इक्वल्स टू अगर हमने माइनस वन पुट किया तो वाई माइनस वन कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू। ठीक, टी इक्वल्स टू माइनस वन पुट किया, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें प्रेजेंट आउटपुट जो है टी इक्वल्स टू माइनस वन पर वो इनपुट की पास वैल्यू पर डिपेंड है, टी इक्वल्स टू माइनस टू पर जो इनपुट है उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पास इनपुट पर डिपेंड है इस केस में जो आउटपुट है, मीन्स जो आउटपुट है वो फ्यूचर और पास्ट इनपुट पर दोनों पर डिपेंड है, इसलिए ये सिस्टम जो हो गया वो डायनामिक सिस्टम हो गया। ओके, अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम। नाउ आई विल टेक सम मोर एग्जाम्पल इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।